स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्जाम्स पे। और दोस्तों आप देख रहे हैं 31 मई 2019 के दिन करंट अफेयर्स क्विज। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों और आप लोगों ने काफी शेयर भी किए होंगे हमारे वीडियोस को। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी जो वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो किसी भी वीडियो को मिस नहीं करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन सारे वीडियोस। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स पूरा बने रहे वीडियो के साथ, स्किप नहीं करें। और तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय को जापान के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के लिए चुना गया है? यानी कि किस भारतीय को जापान के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के लिए चुना गया है उनको सम्मानित करने के लिए? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्याम शरण को जापान के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के लिए चुना गया है। दोस्तों श्याम शरण ने भारत और जापान के बीच राजनीतिक संबंधों को सुधारने में उनके योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने किशोरों के लिए खोले गए किस क्लिनिक में सुधार कर रही है? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उजाला क्लिनिक। राजस्थान सरकार किशोरों के लिए खोले गए उजाला क्लिनिक का सुधार कर रही है। राजस्थान के 10 जिलों में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उजाला क्लिनिक कार्य करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय समय कौन जारी करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, यानी कि एलपीएल भारतीय समय जारी करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला से प्राप्त भारतीय समय को इस्तेमाल शुरू कर दिया है और जल्दी ही पूरे भारत में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिद्वार। हरिद्वार में खोला गया है उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल। और दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि राजा जी टाइगर रिजर्व एशियाई किस चीज के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है? राजा जी टाइगर रिजर्व एशियाई, तो दोस्तों ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में ही है। तो आपको राजा जी टाइगर रिजर्व एशियाई के नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि किस चीज के लिए, तो आप टाइगर दे देना, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फेसबुक ने अपनी किस नई गुप्त क्रिप्टोक्यूरेसी फर्म का पंजीकृत कर लिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिब्रा नेटवर्क एलएलसी का पंजीकृत कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पे मापा जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लांक कांस्टेंट। भारत में अब किलोग्राम एम्पियर केल्विन मोल को प्लांक कांस्टेंट के आधार पे मापा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको लिए करवा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस ला रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स करंट अफेयर्स तो आप रोज ही देखते हो, लेकिन डेली के करंट अफेयर्स देखने में आप इतने ज्यादा मग्न हो जाते हो
और पढ़ने को भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं कि आपको पीछे के करंट अफेयर्स रिवाइज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों मैं बस यही कर रही हूँ कि आपके डेली के करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके पीछे के भी रिवाइज होते चले जाएं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा हो, और यदि अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति किसे चुने गए हैं। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोको विदोदो। जोको विदोदो को एक बार फिर से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता में है इंडोनेशिया की राजधानी, जकार्ता में है इंडोनेशिया की राजधानी। और दोस्तों इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, जो हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के बीच में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपनी क्लाइड नदी में भारतीय मूल के लोगों को अस्थि विसर्जन करने की अनुमति दे दी है? किस देश ने क्लाइड नदी में भारतीय मूल के लोगों को अस्थि विसर्जन करने की अनुमति दे दी है? तो दोस्तों सही उत्तर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की सरकार ने भारतीय मूल के लोगों को अस्थि विसर्जन करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों इसके पहले 2014 में ब्रिटेन ने भी अपनी सोड नदी के तट पर भारतीय मूल के लोगों को अस्थि विसर्जन की अनुमति दी थी। तो ब्रिटेन ने किस नदी पे दी थी? तो फ्रेंड्स सोड नदी पे दी थी, और स्कॉटलैंड ने अपनी क्लाइड नदी पे दी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत ने RISAT-2B उपग्रह को किस प्रक्षेपण यानी कि किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PSLV-C46। भारत ने PSLV-C46 से RISAT-2B उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों रिसैट सैटेलाइट सीरीज का यह चौथा सैटेलाइट है, जिसका उद्देश्य कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना है, जैसे उनकी निगरानी रखना, उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना, आपदा प्रबंधन में मदद करना। और दोस्तों यदि इसरो की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर के सिवन, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यदि आपने ग्रुप डी के एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पहले भारतवंशी सांसद कौन बने हैं? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दवे शर्मा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लिबरल उम्मीदवार दवे शर्मा ऑस्ट्रेलियाई सांसद में पहुंचने वाले पहले भारतवंशी यानी पहले भारतीय बन गए हैं। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन नाम है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कौन सा राज्य मसाला बांड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल बन गया है मसाला बांड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो के लिए आप वेट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं अलविदा, और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।